हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मैं नहा के आई हूँ और मैंने पहनी ये वाली साड़ी। और मौसम एकदम अच्छा है, बारिश हो रही है। और अभी नाश्ता बन के रेडी है, सब नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी अभी नाश्ता करती हूँ। उसके बाद बाकी तो मैंने काम कर लिया, झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो मैंने सोचा आज बाद में ही लगाऊंगी मैं नाश्ता करने के बाद, क्योंकि ब्लॉग बनाना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और किसी की रिक्वेस्ट आई थी कल वाले वीडियो में, तो मैं हैंकी टक करके भी दिखाऊंगी साड़ी में, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। और वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने कल भी बताया था, मैं बहुत ही कम पहनती हूँ साड़ी। पहले तो पहन भी लेती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। और सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे साड़ी वेयर करनी भी अच्छे से नहीं आती है और हैंकी टक करनी भी। लेकिन जैसे भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। फिलहाल पहले कर लेते हैं नाश्ता और उसके बाद अपना झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, पोछा वगैरह लगा लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और गाइस, मैं यहाँ पर आ गई थी नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन धोने के लिए। तो मैंने नाश्ता बनाने की, नाश्ता करने की वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी। तो वो डेली का रूटीन है, तो किसी एक दिन मैं फुल डे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो नाश्ते में था हमारा शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो मैंने बर्तन वगैरह सब साफ कर लिए थे नाश्ता करने के बाद। और यहाँ पे मैं लगा रही थी पोछा। तो आजकल इतनी परेशान हूँ मैं ना, पूरे घर में बाल ही बाल। तो मैंने पहले झाड़ू सुबह लगा लिया था, उसके बावजूद भी बालों को थोड़ा खुला छोड़ो ना तो पूरे घर में बिखर जाते हैं। तो अभी पोछा लगाते समय मुझे बहुत सारे बाल मिले थे, तो उनको मैं एक किनारे में रख रही हूँ खिड़की में, अभी बाद में उसको डाल दूँगी बाहर। और यहाँ पे लगा रही थी पोछा। मैंने आज मॉर्निंग में नहीं लगाया था, इसलिए क्योंकि मैंने सोचा आज इसी का मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो बाद में नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद में ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो थोड़ा सा इसी रूम का दिखाया बाहर, और उस रूम का पूरे घर का नहीं दिखाया पोछा लगाने का, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो इस वाले कमरे में लगा लिया, किचन में लगा लिया, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अब आ गई थी मैं दूसरे रूम में पोछा लगाने के लिए, और यहाँ इनका देखो पूरा घर ऐसा बिखेर रखा है, इनके रूम में ऐसे ही होता है। तो मैं एक ही बार जाती हूँ बस झाड़ू पोछा करने के लिए, और इधर ही ज़्यादा काम होता है जहाँ हमारा बेडरूम है, तो इस रूम में मैं कम जाती हूँ। तो इसको मैं सबको समेट देती हूँ, उसके बाद यहाँ लगाती हूँ पोछा। प्राप्ति भी वो कर रहे हैं पढ़ाई, और गौरव का सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है, तो मैं आज उससे ही सही करवा रही हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ डेली डेली समेटो फिर शाम को ही। तो आज मैंने कहा कि अपनी सारी बुकें जो है अच्छे से सेटिंग से लगा ले, नहीं तो अब बहुत पिटाई होगी, क्योंकि बड़ा हो गया है और डेली डेली मम्मी थोड़ी समेटेगी। तो आज उसको मैंने ये काम सौंपा है कि मैं उसके बाद ही यहाँ पर पोछा लगाऊँगी, पहले अपनी सारी बुक्स को सही से सेटिंग से लगा ले, और उसके बाद मैं लगाती हूँ पोछा। मैंने यहीं पे डाला हुआ है, और ये भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैंने कहा पढ़ाई बाद में करना, पहले इन चीज़ों को भी खुद से करना सीखो। तो उसने अच्छे से अपनी बुक लगा ली थी ऊपर, और बैग भी इधर उधर फेंका रहता था, उसको नीचे रख दिया था, और मैंने लगा लिया था यहाँ भी पोछा फाइनली। और ये देखो कुछ उसने यहाँ पर छोड़ लिया, तो मैं आवाज़ लगा रही थी कि इनको भी उठा ले अभी के अभी, ऐसे काम नहीं करते हैं। तो डांट तो उसको डेली पड़ती रहती है, सही से अपना सामान नहीं रखता है। और जब तक बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स को ही सही करना पड़ता है, ज़्यादातर मम्मी समेटती है, लेकिन बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें खुद भी आदत डालनी चाहिए अपना सामान सही रखने की। और ये देखिए उसने अब सही से लगाई, तो अच्छी भी लग रही है, उसने ऐसे बिखेर रखी थी पूरी, और अब वो कर लेंगे पढ़ाई। जो है मेरे सारे काम हो गए हैं, और मैं कर रही हूँ हैंकी टक साड़ी पे। तो मैंने ये वाली साड़ी डाली है, और ये ब्लाउज है ना, तो आपको अटपटा सा लगेगा कि इस साड़ी से मैच करता हुआ नहीं है। तो मेरे जो है ना बहुत पहले की साड़ियां हैं, और इनकी जो भी ब्लाउज है कोई भी मेरे पे फिटिंग नहीं आ रही है किसी की भी ना। तो सिर्फ एक ये है, एक कल पहना था, ये मेरे खुद के सिले हैं, ये मैंने बाद में सिले, पिछले साल सिले, तो यही वाले मेरे पे फिट हो रहे हैं। बाकी मैंने सारे देख लिए, कोई भी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा टाइट हो रहे हैं आस्तीन से, तो सबकी फिटिंग करवाऊँगी मैं अभी। तो फिलहाल मैंने यही डाला है इस साड़ी के साथ, और
हैंकी मेरी वही वाली है, कालो वाली, क्योंकि मैं दूसरी वाली लाने वाली थी। आज मैंने सोचा मैं कुछ सामान लेने मार्केट जाऊंगी तो एक हैंकी भी लेके आऊंगी, लेकिन मॉर्निंग में हो गई थी बारिश जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। अब तो मैं इवनिंग ही जाऊंगी, सब्जी वगैरह कुछ सामान लाना है घर का, तो मैंने सोचा जब मैं जाऊँगी तो मैं एक हैंकी भी लेके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो आज इसी से मैं काम चला रही हूँ, इस वाली साड़ी पर। तो साड़ी तो मैंने मॉर्निंग में ही पहन ली थी तो जब मैं नहाई थी, तो अभी कर लेती हूँ मैं स्टार्ट हैंकी टक करना। और गाइस जो ऐसे मुझे ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ साड़ी, ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो और ये मुझे कल की वीडियो पे रिक्वेस्ट आई थी राइट साइड में, साड़ी की राइट साइड में हैंकी टक करना, तो उनकी रिक्वेस्ट मैं बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद हो। ये वाली हैंकी है जो कल की, और एक ये वाला स्टेप है, ये हमने एक बार फोल्ड कर ली है अपनी हैंकी को, ये डबल है इस तरह से, और यहीं पे मैं इसमें करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है इस तरह से हमने इसकी बनानी है प्लेटें, इस तरह से ये प्लेटें बनानी है हमने इस तरह से। तो ये हमने इसकी प्लेटें बना ली हैं, ये देखिए ये बन गई हैं इसकी प्लेटें। इनको मैं सेट कर दूंगी ऊपर से और इस तरह से लगाऊंगी अपनी साड़ी पर। ये इस तरह से आएंगी प्लेटें, ये देखिए इस तरह से। ये वाले पर अच्छा लगते हैं इस तरह से, और इसको हम बीच में से पकड़ के प्लेटें डाल रखी है ना इसमें, तो यहाँ पे बीच में से इसको पकड़ करके और इस तरह से फोल्ड करके, जो अभी हमने हैंकी टक की थी ना जिस स्टाइल में, तो ये है हमने बीच में से पकड़ ली और इसको इस तरह से, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ा जो है ना ये इसको जब तक पर ऐसे दबाओ नहीं तो ऐसे खड़े हो जाता है हैंकी, उठी उठी सी लगती है। और इसको इस तरह से ये देखिए ऐसे, और बाकी एक दो तो ये सिंपल वाले हैं वही मुझे आते हैं। ये चार तई लगा ली हमने इसकी, और इसको करेंगे बीच में से इस तरह से फोल्ड, और ये इस तरह से हो गया है ये देखिए, और इसको मैं टक करूँगी राइट साइड में इस तरह से, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह से हम अपनी साड़ी को ला लेंगे, देखिए नहीं दिख रहा है, और लेफ्ट साइड में इसको टक करना चाहते हैं तो इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से है ना, ये देखिए आप लोग, एक दो तीन कोने हैं इसके, और यहाँ से हम इसको बीच में से इस तरह से मोड़ लेंगे। और ये ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ये ज़्यादा दिखेगा भी नहीं,
इसको टक कर लेंगे राइट साइड में अपनी साड़ी पे। तो देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में भी टक करना चाहते हैं तो इस तरह से जिस तरह से आता है वैसे ही आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस जितना आता है उतना ही शेयर कर लूँगी आप लोगों के साथ। नॉर्मली तो इस तरह से टक करते हैं जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी से चार फोल्ड किए हैंकी के, इस तरह से टक कर दिया। और ये बताइएगा मैंने सिलाई की है इसको कैसे सिलाई कर रखी है ब्लाउज की। छोटा सा बना दिया हमने इसको तह लगा के, बिल्कुल छोटा सा। और इसको साड़ी में बाहर की तरफ को नहीं लटकाना है, इस तरह से हैंकी को टक करना है अंदर की तरफ। और इसमें पता भी नहीं चलता है कि हैंकी टक कर रखी है इसको। सो गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी, जरा ही पसंद आई आप लोगों को तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है, पसंद भी ना आए तो भी बता देना कि कैसी लगी आपको। और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।